सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के काबरी रोड से, जहां पर एक फैक्ट्री में इतनी भयंकर आग लगी हुई है। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, यहां पर तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं और साथ ही फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहां पर मौजूद हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आपको हम फैक्ट्री के पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आग कितना ज़्यादा जो है भयंकर रूप ले चुकी है और काफ़ी हद तक जो है सामान जलकर राख हो चुका है। संकरी गलियां हैं, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी यहां पर मौके पर पहुंचे हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि फिलहाल जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शॉर्ट सर्किट के कारण जो है ये आग लगी है। हालाँकि लंच टाइम था, जिसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। सभी कर्मचारियों को तुरंत जो है बाहर निकाल लिया गया, जिसकी वजह से कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आग जो है अभी तक लगी हुई है और पूरी फैक्ट्री को आग ने घेर लिया है, चारों तरफ से घेर लिया है। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बिजली का खंभा भी है और जिसमें जो है काला धुआं काफ़ी हद तक लग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। कब लगी है, कब लगी आग लगी? लगभग हो गया आधा पौन घंटा हो गया। आधा पौन घंटा हो गया, किस वजह से लगी है कुछ पता लगा? अब तो कुछ पता लगा नहीं इसमें। अच्छा, फैक्ट्री मालिक का क्या कुछ है बता रहे हैं? आ चुके मौके पे वो? मालूम नहीं, इतना पता नहीं, हम तो दूर से आए हैं। दीवारों में दरारें भी आ गई हैं काफी, तो अब गिरने ही वाला है, देख रहे हो। यहाँ कोई भी नजदीक में गया, खतरा है। खतरा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आग ने जिस तरह से अपना विकराल रूप ले रखा है, उससे कभी भी ये दीवार जो है गिर सकती है, क्योंकि दीवारों के अंदर से भी काफी हद तक धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां पहुंच चुकी हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि क्योंकि इस गली की बात करें, क्योंकि यहाँ पर सारी फैक्ट्रियाँ ही हैं, है ना? सारी फैक्ट्रियाँ हैं और किसी और फैक्ट्री तक आग ये ना पहुँचे, उससे पहले पहले आग पर काबू पाया जा रहा है। आगे भी फैक्ट्री के आगे भी पीछे भी काफ़ी हद तक जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं। तो आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के काबरी रोड से, जहाँ पर एक वेस्ट मटेरियल के गोदाम में भीषण आग लग गई है। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। बिल्कुल, फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके पानी की बौछारें की जाए, क्योंकि कभी भी ये दीवार जो है गिर सकती है। ये 1:30 बजे के करीब आग लगी है और एयर कार्डिंग मशीन से आग लगी थी। इसमें दो गार्ड लगे हुए थे, स्पिनिंग मिल थी। पहले तो थोड़ी सी आग थी, फायर ब्रिगेड वाले को फ़ोन मारा, ये फायर ब्रिगेड भी टाइम से आई, पर ये रोड खोद रखे सीवरों के लिए, इनके लिए गाड़ी फंस गई। फिर क्रेन वगैरह मंगाई, उनसे भी उठाने की कोशिश करी, पर ये निकली नहीं। फिर कहीं दूसरे रास्ते से घुमा, फिर आगे ये आई है कम से कम 1.5 घंटे बाद, जब तक पूरी फैक्ट्री ख़त्म हो गई। ये कॉटन स्पिनिंग मिल थी, नाम मालिक का नाम तो मदन गोयल है, तो फैक्ट्री का नाम नहीं पता। लेबर बता रहे हैं काम कर रही थी? ना ना ना, हाँ लेबर तो अंदर काम कर रही थी, पर लेबर सारी बाहर आ गई। होंगे 50-60 लोग तो होंगे। ना ना ना, कोई अंदर दरारें, ये तो खत्म हो गया, गिरी भी गई हैं दरारें, क्या आ रही है, गिर गए हैं साइड पूरे, गिर गए। बस ये सामने फ्रंट दीवार है, ये भी मेरे ख्याल से आधे घंटे तक में गिर जाएगा। कितना नुकसान होगा? ये तो मालिक ही बता सकता है कितना नुकसान होगा। नुकसान तो मोटा है, आग काफी टाइम से लगी हुई है। फैक्ट्री मालिक कहाँ है? फैक्ट्री वाले का परले गेट पे है नहीं?
तो आप लोग बाल्टियों से भी पानी डाल रहे थे। हाँ, आप क्या कर बुझाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, अगर एक नुकसान ना हो कुछ तो करना चाहिए। फायर ब्रिगेड का जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी एक आई एक 10 किलो रास्ते में, दूसरी लेट आई, दूसरी लेट आई। अब गली भी नहीं है ना, टाइट गली है सारी, बात यह है, फिर गली भी खराब हो रही सारी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ लेट आई है या फिर सड़कों की टाइम से आई गाड़ी 10 की रोड पे, सारी गली खुदी पड़ी। आप देख लो, एक गाड़ी 10 की, दूसरी आई, दूसरी कुछ कंट्रोल किया, कारण पता चला भैया कैसे लगी? शॉर्ट सर्किट से, हाँ शॉर्ट सर्किट। चलिए आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के काबरी रोड से, जहाँ पर इन लोगों को हटाओ यहाँ से, हटो किन्हीं, जहाँ पर जो है दीवार की लगी है, पीछे लो ये गिरने वाली है। आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के काबरी रोड से, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग जो है कितना ज़्यादा विकराल रूप ले चुकी है। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एक के बाद एक कई आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। आग ने विकराल रूप ले लिया है और बताया जा रहा है कि आग ये जिस तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, एक बार जूम करके आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि पूरी फैक्ट्री की दीवारों तक भी जो है आग लग चुकी है और ये दीवार कभी भी गिर सकती है, जिसकी वजह से पूरी गली को जो है सील कर दिया गया है। यहाँ से वहाँ तक किसी को भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि कभी भी ये दीवार गिर सकती है। शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी है ऐसा बताया जा रहा है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको हम ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के काबरी रोड से, जहाँ पर एक वेस्ट मटेरियल के गोदाम में भीषण आग लग गई है। हालांकि जिस तरह से लोगों ने बताया कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को जैसे ही फ़ोन किया गया, हालांकि वो मौके पर पहुंच जाते, लेकिन उस पूरी की पूरी जो गली है उसे खोदा गया है, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर समय से नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद जो है आग ने विकराल रूप ले लिया है। हालाँकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर पहुँची हुई हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। तस्वीरें आप खुद देख लीजिए कि कितनी ज़्यादा भयंकर आग लगी है, क्योंकि वेस्ट मटेरियल का गोदाम है, तो जाहिर तौर पर आग ने बहुत जल्दी जो है विकराल रूप ले लिया है। आपको हमें सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पीछे से तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आगे की तरफ नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये दीवार कभी भी गिर सकती है, जिसकी वजह से यहाँ से वहाँ जाने पर जो है मना किया गया है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। यहाँ पर मौके पर पुलिसकर्मी भी तैनात हैं। फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां जो हैं यहां पर मौके पर पहुंच गई हैं और काफ़ी देर से जो है आग लगी हुई है। 3:43 हो चुकी है, 10-15 तो करीब तक। कितने बजे आप लोगों को सूचना मिली थी इस बारे में? वो बताओ, हमारा मैसेज किस पे पता? हाँ भाई, फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंच गई हैं और कुछ अफरा तफरी जैसा माहौल जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये दीवार कभी भी गिर सकती है, जिसकी वजह से लोगों को यहां से वहां आने जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग आ जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के रोड से, जहाँ पर कितनी ज़्यादा भयंकर आग लगी हुई है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। Hayır.
बताया जा रहा है कि 15 से ज़्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच चुकी हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है पूरी तरह से। पीछे से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरी फैक्ट्री ने आग लग चुकी है और आग ने काफ़ी ज़्यादा विकराल रूप ले लिया है और धीरे धीरे जो है आसपास की फैक्ट्री को भी खाली करवाया जा रहा है ताकि आग जो है किसी और फैक्ट्री में ना लगे। क्योंकि बात करें इस गली की, तो यहाँ पर अधिकतर जो है सभी की सभी फैक्ट्रियाँ हैं और फैक्ट्रियों में आग ना लगे इस वजह से जो है सामान यहाँ से हटाया जा रहा है। तो आपसे फिर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें।